नमस्कार, आप देख रहे हैं गैलेक्सी न्यूज। ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करने वाले अब हो जाएं सावधान, उनकी आने वाली है शाबत। भारत सरकार बहुत ही जल्दी एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जो इंडियन ड्राइविंग स्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर देगा और ये बिल आने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पास हो जाएगा। इस बिल का एक पार्ट लोकसभा ऑलरेडी पास कर चुकी है और ये बिल अब केवल राज्यसभा में पास होने के लिए रह गया है। इस बिल के अंदर 10 गुना तक पेनल्टी बढ़ा दी गई है। आज हम आपको इस बिल में इस नियम का उल्लंघन करने पर क्या पेनल्टी लगेगी वो तो बताएंगे और साथ साथ इस बिल की जो मुख्य बातें हैं वो भी बताएंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि इस बिल की मुख्य बातें क्या है। ये बिल मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल 2017 के नाम से जाना जाएगा। इस बिल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं, किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। बिना आधार कार्ड के अब कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। अभी तक अगर किसी की हिट एंड रन केस में डेथ हो जाती थी तो गवर्नमेंट उसको 25,000 रुपए का कंपनसेशन देती थी। अब ये कंपनसेशन बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दिया गया है। अगर किसी जुवेनाइल द्वारा कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होता है तो उस केस में उस व्हीकल के ओनर या उसके पेरेंट्स जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नहीं तो उनको ये प्रूव करना होगा कि ये जो ऑफेंस हुआ है, ये जो अपराध हुआ है वो उनकी बिना नॉलेज के हुआ है और उन्होंने अपनी तरफ से इसको रोकने की काफी कोशिश करी थी। जिस व्हीकल से जुवेनाइल कोई एक्सीडेंट या कोई ट्रैफिक लॉ का उल्लंघन करता है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जुवेनाइल के ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इस बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो लोग सड़क पर आ रहे जा रहे हैं अगर वो कोई एक्सीडेंट देखते हैं या कोई कैजुअलिटी देखते हैं तो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल लाइबिलिटी नहीं आएगी। उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो लोगों को फर्स्ट एड अवेलेबल कराएं, उनको हॉस्पिटल लेकर जाए, उनसे कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस बिल में जो पेनल्टीज है वो बढ़कर कितनी हो गई है। ड्रंक ड्राइविंग के लिए जो पहले पेनल्टी 2,000 रुपए थी अब ये बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी। रैश ड्राइविंग की पेनल्टी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी जाएगी। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस के लिए पहले 500 रुपए की पेनल्टी लगती थी, अब इसके लिए 5,000 रुपए देने होंगे। ओवर स्पीडिंग के लिए जहां पहले 400 रुपए देने पड़ते थे अब ये फाइन 1,000 से 2,000 रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। सीट बेल्ट ना बांधने पर पहले केवल 100 रुपए का जुर्माना होता था, अब ये जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन पर बात करने के लिए जहां पहले 1,000 रुपए का जुर्माना देना होता था अब ये जुर्माना बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। अगर कोई एक्सीडेंट किसी रोड के फॉल्टी डिजाइन या किसी और वजह से होता है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट या सिविक एजेंसी जिम्मेदार है उसके लिए उन लोगों के ऊपर भी फाइन किया जाएगा। गवर्नमेंट सड़क से उन व्हीकल को भी हटा सकती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा डिफाइन किए गए नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं और उसके लिए उस मैन्युफैक्चरर पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। इसलिए अब तक जो लोग भी ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन करते थे वो अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए, इन वॉयलेशंस को करना बंद कर दें क्योंकि बहुत ही जल्द ये 10 गुना पेनल्टी वाला बिल पास होने वाला है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा और इसके अलावा गवर्नमेंट और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। गैलेक्सी न्यूज को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।